क्या वजह है कि हिमालय पर्वत या प्रशांत महासागर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ती प्लेन? कभी आपने सोचा है कि आखिर एयरलाइंस माउंट एवरेस्ट या फिर प्रशांत महासागर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ती है? आखिर वो क्या वजह है जो कभी भी कोई इस रूट से उड़ना नहीं चाहता? कोरा पर ये सवाल किसी ने पूछा तो इसके तमाम जवाब सामने आए। बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में हैं जो मौजूद हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। हालांकि हर चीज़ के पीछे अपनी एक वजह जरूर होती है। कई बार ये वजह वैज्ञानिक होती है तो कई बार परंपरागत भी। हम इनसे संतुष्ट भी कभी होते हैं तो कभी नहीं हो पाते। ऐसी चीज़ों को लेकर मज़ेदार सवाल लोग इंटरनेट पर खूब पूछते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर लोग अपने मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए तरह तरह के सवाल करते हैं और यूजर्स अपनी जानकारी के मुताबिक उनका जवाब देते हैं। ऐसा ही सवाल किसी ने पूछा कि क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एयरलाइंस माउंट एवरेस्ट या फिर प्रशांत महासागर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ती? आखिर वहाँ क्या वजह है जो हमेशा इस रूट से बचकर चलने में ही भलाई समझती है? हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ाने भरने से एयरक्राफ्ट इसलिए बचते हैं क्योंकि ये फ्लाइट के लिए सही स्थितियाँ नहीं हैं। आमतौर पर फ्लाइट हवा में 30,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ती है ताकि मौसम बदलाव या किसी और अप्रिय घटना से बचा जा सके। हिमालय में सभी चोटियों की ऊंचाई आमतौर पर 20,000 फीट से ऊंची है। ऐसे में ये उड़ान भरने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ हवा की गति भी असामान्य रहती है और ऑक्सीजन भी कम होता है। ऐसे में यात्रियों को भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ मौसम भी तेज़ी से बदलता रहता है और कभी भी आपात स्थिति आ सकती है। प्रशांत महासागर हो या फिर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ नेविगेशन रडार सर्विस ना के बराबर है। ऐसे में पायलट को जमीन से संपर्क साधने में दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, प्लेन जमीन के ऊपर उड़ती है ताकि किसी आपात परिस्थिति में उन्हें लैंडिंग मिल सके। पर्वत चोटियों या समुद्र के ऊपर उड़ने से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग नहीं मिल पाएगी। ऐसे में उड़ाने घूमकर जाने में ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।